कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स और अन्य डिजिटल गैजेट्स हम सबकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, पर हर क्राइम के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है और हर गैजेट के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर। तो व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर और ये काम कैसे करता है, आइए इसको समझे जाने दुनिया 10 मिनट में। माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर सिस्टम का सेंट्रल यूनिट है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जिसमें एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, नंबर्स को एक से दूसरे एरिया में ट्रांसफर करना और दो नंबर्स को कंपेयर करना शामिल है। यूजुअली लोग माइक्रो प्रोसेसर को सिंपली प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। यही कंप्यूटर का ब्रेन है जो कि कंप्यूटर के शुरू होते ही एक्शन में आ जाता है। ये एक प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज डिवाइस है जो कि एक सीपीयू के फंक्शंस को एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में करता है। अब माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है? एक माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी डेटा को इनपुट की तरह लेता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर अपने मेमोरी में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आउटपुट देता है। एग्जांपल से समझते हैं। अब आपने अपने फोन में फ्लैश लाइट ऑन करने का बटन दबाया, माइक्रो प्रोसेसर ने समझा कि आपका ये इनपुट आया है, फिर उसने इसको प्रोसेस किया और उसके अंदर स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन को यूज करके फ्लैश लाइट ऑन कर दी। यही सेम चीज कंप्यूटर गेम्स जैसी एडवांस प्रोसेस से लेकर फोन की बेसिक कैलकुलेटर से यूज करने तक सभी चीजों में माइक्रो प्रोसेसर करता है। अब माइक्रो प्रोसेसर के फायदे क्या हैं? अब जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम्स अकेले डिवाइस नहीं है जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, स्मार्टफोन से लेकर हाउसहोल्ड अप्लायंसेस और यहाँ तक कि कार्स भी आजकल माइक्रो प्रोसेसर यूज करती हैं। इसके लिए कुछ रीजंस भी हैं। माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा महंगे नहीं होते क्योंकि वो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पे बने होते हैं, इसलिए उनको मास मैन्युफैक्चर करना इतना कॉस्टली नहीं होता कि बिजनेस ही रन ना कर पाए। दूसरा रीजन है इनकी स्पीड। आजकल के माइक्रो प्रोसेसर इतने तेज हो चुके हैं कि वो पर सेकेंड, जी हाँ पर सेकेंड, लाखों इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीसरा रीजन है उनका कम पावर कंजम्पशन। माइक्रो प्रोसेसर्स को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज करके मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसलिए वो दूसरी प्रक्रिया से बने प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं। चौथा रीज़न है इनकी पोर्टेबिलिटी। अब माइक्रो प्रोसेसर्स इतने छोटे हैं और क्योंकि ये पावर भी कम कंज्यूम करते हैं तो ये पोर्टेबल डिजाइन में ईजिली बनाए जा सकते हैं, जिनको स्मार्टफोन्स जैसे पोर्टेबल डिवाइसेस में फिर यूज़ किया जाता है। फिफ्थ रीज़न है इनकी रिलायबिलिटी। अगेन, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर्स सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस होते हैं तो इनका फेलियर रेट एक्सट्रीमली लो है। सिक्स्थ रीज़न है इनकी वर्सिटैलिटी। वही सेम माइक्रो प्रोसेसर चिप को अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, अगर सिर्फ उसकी बस प्रोग्रामिंग चेंज कर दी जाए तो इससे ये इनक्रेडिबली वर्सिटाइल बन जाता है। एक ज़माने में CPUs एक कमरे के जितने बड़े साइज के होते थे। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और दुनिया में आप जो भी आज अद्भुत डिवाइसेस पूरे के पूरे देखते हैं सब माइक्रो प्रोसेसर्स के कारण ही इनेबल हो पाए हैं। अब हम बात फ्यूचर की कर ही रहे हैं तो डेटा सेंटर कैसे पीछे रह सकता है, पर ये आखिर होता क्या है, जानने के लिए देखिए आपके लेफ्ट साइड वाला वीडियो। हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगा आपकी राइट साइड वाले लिंक में। तो मिलते हैं इन वीडियोज में।